दोस्तों स्वागत है आप लोग आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी टेक्नो फोन यूज करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फोन में सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन शो होता है, जिसे हम मेन्यू स्टाइल भी बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। इस तरह से हमारा शो होता है, जो कि मेन्यू हम इसे बोलते हैं। तो इस तरह का जो स्टाइल है वो मुझे पसंद नहीं, तो इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इस स्टाइल को चेंज करके आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बताने वाले किस तरह से आप इस मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकती हो, या फिर आप चाहे तो जो दूसरा वाला टाइप का है, तो अगर आपको इस तरह का पसंद है तो आप इस तरह का भी वापस से कैसे ला सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मेन्यू स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको आपके फ़ोन में ही सेटिंग दिया गया है, उस सेटिंग को आपको इनेबल करना होगा, सॉरी चेंज करना होगा, क्योंकि इनेबल तो पहले से ही आपके फ़ोन में, उस सेटिंग को चेंज करना होगा, जिससे आपके फ़ोन में ये जो मेन्यू स्टाइल है ये चेंज हो जाएगा। चेंज होकर कुछ अलग डिज़ाइन का शो होगा, जो कि आपको डिस्प्ले पर मैंने दिखा दिया है किस तरह से आपको शो होगा। तो क्या करना है, अभी आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है। फ़ोन के होम स्क्रीन पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन शो करेगा। तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन के खाली जगह पर, किसी भी एप्लीकेशन पर या फिर फोन्स पर नहीं, आपको खाली जगह पर थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमें नीचे की तरफ चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो चार ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, नीचे की साइड आपको लास्ट में एक डेस्कटॉप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस डेस्कटॉप सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो अभी आप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अभी आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की साइड आपको आना है और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हो। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया है कि उनके फ़ोन में जो एप्लीकेशन का साइज होता है उसको बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं, उनके फ़ोन में बहुत ही छोटा एप्लीकेशन साइज है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर आपको एक आइकन साइज का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो अभी 90% पर सेट है। तो इसको हम आगे की तरफ करेंगे इस तरह से 120% पर, तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन का साइज यहाँ से बढ़ जाएगा। और इसे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, 100% पर हम सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, 120% पर सेट कर देंगे। तो अभी हमारा साइज इस तरह से शो होगा। तो ये भी आप लोगों को बता दिया मैंने कि यहाँ से आप इसको साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं कि हम अपने मेन्यू स्टाइल को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्क्रॉलिंग डायरेक्शन, इस स्क्रॉलिंग डायरेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो आपको क्या करना है, वर्टिकल पहले से ही आपके फ़ोन में सेट होगा, तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन को यहाँ से आप क्लिक कर देंगे, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपको बैक चले आना है आपके होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर इंटर हो जाएंगे, यहाँ पर अभी आपको मेन्यू में इंटर होना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मेन्यू है, सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन है, यहाँ पर चेंज हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अभी शो हो रहे हैं, जो कि पहले हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा था, बट अभी यहाँ पर हमारा इस तरह से शो हो रहा है। तो आप इसको ईजिली कर सकते हो अपने किसी भी टेक्नो के मोबाइल में, या फिर इन्फिनिक्स के मोबाइल में भी आप इस सेटिंग को कर सकते हो। और बात करें इसे वापस से हमें पहले जैसा करना है, जैसे कि वर्टिकल का ऑप्शन आपको शो हो रहा था, तो आपको सेम सेटिंग को फिर से करना है। आपको डिस्प्ले पर टैप करके रखना है और सेटिंग में जाकर वहां से आपको क्या करना है, वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेना है, जिसको आपने हॉरिजॉन्टल में सिलेक्ट किया था उसको आपको वर्टिकल में सिलेक्ट कर लेना है। और आपका जो पहले का सेटिंग था यहाँ पर वापस से आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया किस तरह से आप मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।